पास्ट टेंस का चार्ट, ठीक है, यहाँ जोड़ सकते हो पास्ट टेंस का चार्ट। अब इसी में हम देखो बदल रहे हैं, सब लोग ध्यान से देखो, अपने आप समझ में भी आ जाएगा और दिमाग में भी हो जाएगा और बन भी जाएगा, क्योंकि इसी में चेंज करना है और कहीं चेंज नहीं करना है। यहाँ जहाँ प्रेजेंट है यहाँ अब हो जाएगा पास्ट टेंस, पास्ट इंडिफिनिट टेंस। पास्ट इंडिफिनिट टेंस में क्या होता है, हिंदी क्रिया के साथ ता था हो जाता है, ती थी, ते थे, इसके अलावा या था, ई थी, ये बढ़ रहा है, उसके अलावा या था, ई थी, ए थे, या, ये, ई, गया, खाया, पिया, सोया, या, ये, ई, गया था, ठीक है। तो ये या था, ई थी, ये थे, या, ये, ई, या, ता था, ती थी, ते थे, इनमें से कोई लगा रहे या जिनसे कार्य का अनिश्चित होना पाया जाए, तब वो क्या हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसमें भी वही बात होती है, अफर्मेटिव में कोई सहायक क्रिया नहीं लगती पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। दो टेंस हैं जिसमें अफर्मेटिव में कोई सहायक क्रिया नहीं लगती, कौन कौन, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट। तो यहाँ इसमें कोई सहायक क्रिया नहीं रहेगी और यहाँ वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है, क्या लगता है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म। और नेगेटिव इंट्रोगेटिव में डू या डज की जगह डेड लगता है और यहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्लियर हो गया ना, उसी में है बदल के, ठीक है, उसी तरह से इसको समझ लेंगे। अब आइए यहाँ कंटिन्यूअस में देखिए, ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तो यहाँ क्या हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। हिंदी क्रिया के साथ रहा है तो यहाँ हो जाएगा रहा था, रही थी, रहे थे, बैठा था, खड़ा था, चिपका था, लेटा था, पीड़ित था, इत्यादि जिनसे कार्य का अपूर्ण होना पाया जाए, हो गया। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बदल दिया, बन गया ये पास्ट कंटिन्यूअस। अब इसको अंग्रेजी में ले आओ, तो अंग्रेजी में यहाँ जो इज एम आर है यहाँ क्या लगता है, ये हो गया वाज या वर, और ये हो गया वर फर्स्ट में आई एन जी, हो गया पास्ट कंटिन्यूअस, है ना। अब देखिए, अब इसको पास्ट परफेक्ट में ले लो, तो ये हो गया आपका पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या है, बस इसी में डाल दो, ये है चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ई थी, ए थे, त्याग जिनसे कार्य का पूर्ण होना पाया जाए। इसमें क्या लगेगा, हैड लगता है, और हैब के स्थान पर हैड लग गया और वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया पास्ट परफेक्ट। इसी तरह अब आइए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कैसे मानेंगे, तो ये जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बना है बस यहाँ प्रेजेंट की जगह पास्ट कर दो, यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के साथ समय जोड़ दिया जाए, हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और यहाँ जहाँ हैज और हैव है यहाँ हैड हो जाएगा, हाँ हैड बीन, हैड के साथ यहाँ तो हैड क्यों लगता है और इसमें हैड बीन, जैसे उसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या था, हैज या हैव लगता है परफेक्ट टेंस में और इसमें हैज हैव के साथ बीन, वैसे इसमें यहाँ हैड है और यहाँ हैड बीन, ठीक है, ये हो गया। और वर्ब फर्स्ट में आई एन जी, सिंस या फार के साथ समय लगता ही है, हो गया पास्ट टेंस का चार्ट बना ना।